हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है 13 फरवरी और हो रहे हैं अभी शायद रात के 8:30। तो मैं बना रही हूँ डिनर और फिलहाल के लिए क्या क्या तैयारी कर रही हूँ वो बता देती हूँ। नहीं, पहले ये बता देती हूँ कि आज क्या बना रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं गोभी मंचूरियन। एक और आइटम है जो आप हमेशा देखेंगे मेरे ब्लॉग में, वो है ब्रोकली, बेल पेपर्स और मशरूम को मैं बटर गार्लिक में थोड़ा सॉटे करती हूँ, स्टर फ्राई करती हूँ वो, और रोटी। तो दिखाती हूँ मैं क्या प्रिपरेशन की हूँ अभी तक। तो ब्रोकली थोड़ा सा मैंने फ्राई करके रख लिया है, ये है मशरूम डालूंगी मैं उसमें, ये थोड़े बेल पेपर्स है तो ये बनेगा स्टर फ्राई। फिर मैंने प्याज कट करके रख लिया है और उधर गोभी मंचूरियन की भी तैयारी चल रही है मेरी। तो ये चल गया पैन में सब कुछ, तो थोड़ा सा मैं बटर और गार्लिक में स्टर फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कलरफुल है। मैंने हर तरह के बेल पेपर्स यूज़ किए हैं, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्रोकली हमारी ग्रीन, तो काफ़ी सुंदर लगता है ऐसी सब्जियाँ खाने में। तो तैयार है हमारा डिनर, ये है हमारा गोभी मंचूरियन, रोटी, सुबह का चावल, सुबह का दाल और अभी का स्टर फ्राई जो मैंने बनाया था। और ये हमारे संजीव कृष्ण, तो आपको दिखाने, मतलब हम आपके सामने बोल रहे हैं गोभी मंचूरियन। आपको बनाने से पहले भी हम बोल चुके थे कि गोभी मंचूरियन बना रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बना है। सही बताइए, बहुत बढ़िया बना मंचूरियन बना है। कहाँ पहली बार बना यार? अच्छा, बैंगलोर में नहीं बनाते थे? अरे मतलब कनाडा में। अच्छा, तुरंत उछल के बैंगलोर। चलिए खाइए, मजेदार बना है, कुरकुरा एकदम, कुरकुरा मंचूरियन। और हो गया है नेक्स्ट डे यानी कि 14 फरवरी और मैंने कान्हा जी को रेडी करके पूजा करके आरती कर दिया है। तो हो गया है नेक्स्ट डे यानी कि 14 फरवरी और आज है वैलेंटाइन्स डे। तो हम सभी, मतलब हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हाँ, तो आज ऐसा कुछ खास हम लोग प्लान नहीं कर पाए बिकॉज इनका ऑफिस था, वीकडे है आज, तो कहीं आउटिंग तो नहीं जा सकते। तो घर पे सोचे छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, कुछ बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रात में डिनर करेंगे साथ में कैंडल लाइट। तो देखते हैं कितना ये प्लान अच्छा एग्जीक्यूट हो पाता है। तो फिर फिलहाल लंच का टाइम हो रहा है तो अभी बस मैंने कुकर सेट कर दिया है सब्जी के लिए, तो सब्जी चल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मतलब लंच करके फिर हम लोग लग जाएंगे डेकोरेशन की तैयारी में। तो आप तो डेकोरेशन नहीं करेगा, मैं ही करूंगी बिकॉज आपका ऑफिस का काम है, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिएगा अगर फुर्सत मिले तो, है ना? ठीक है, तब मिलते हैं। ये हो गया मेरा मशरूम मसाला तैयार, थोड़ा मटन स्टाइल में, चिकन स्टाइल में, जो भी, पता नहीं कितना अच्छा बना होगा। संदीप टेस्ट की बताइए। टोमेटो अपना रेड रेड लग रहा सब्जी, पता नहीं, बहुत तो रहा चिकन स्टाइल में बना है, पता नहीं कितना अच्छा बना होगा। चिकन स्टाइल में मतलब चिकन डाल भी देती, अगर डालना होता बेटे तो डाल ही दिए होते। लीजिए दीजिए, कौन की लाया? मैं लाई हूं। देखते हैं चिकन लगता है कि नहीं, देखिए चटनी दे देना, देखते हैं चिकन जैसा लगता है कि नहीं। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, चिकन कहाँ से खरीदी थी? चिकन कहाँ से खरीदी? सच्ची सच्ची बताइए, लग तो रहा हल्का हल्का, पता नहीं हमको चिकन याद है एक जमाना पहले। तैयारी तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम का, मेहनत लगा है। तो बलून तो हम फुला देते हैं, फुला देते और फुलाने में तो डिफरेंस होता है। तुम दी नहीं, हम तो काम कर रहे थे ना, हम दी हम मांगने आए थे, हम मांगने आए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा की मेहनत अटेंड कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, पूरा तुमको क्रेडिट देते हैं सजाने का रूम को। और मेरा ही जाएगा, हाँ, सारा कुछ। तो अभी शुरू करो, और क्या क्या बाकी रह गया है? बलून्स हो गए हमारे, फूल गए हैं। अच्छा, और उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा रिबन्स वगैरह भी लगाना है। ठीक है, कहाँ है रिबन्स? है, रखा हुआ, क्यों बताएं? हम लगा देंगे, नहीं हम कर लेंगे, थैंक यू फॉर आस्किंग, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अभी तो पता कितना मेहनत किए हैं, नहीं फुलाने वाला नहीं था तो फूक फूक के फुलाए हैं, पूरा एनर्जी मतलब अपना ऑक्सीजन दिए हैं हम पूरे बलून। तो वैलेंटाइन डे को हम अपना पूरा मेहनत ऑक्सीजन नहीं, तो तुम बदला लेना, वैलेंटाइन जो हो जाएगा ना
पूरा हमें वापस ले लेना तुम। नहीं ऐसे थोड़ी तो भूख भूख के एनर्जी लगाई ना, पूरा वापस लेना। कुछ भी तो हो गया है हमारा डेकोरेशन ऑलमोस्ट रेडी, आई मीन 10% बचा हुआ है, बलून्स बस चिपकाने हैं वॉल्स पे। तो उसके पहले सोच रही हूँ मैं कि डिनर बना लेती हूँ। तो आज वैलेंटाइंस डे है तो मैंने सोचा कि संजीव का पसंद का पिज्जा बनाऊं घर पे ही, उनको मेरे हाथ का पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा के लिए सबसे पहले सॉस बनाना है तो वो मैं शुरू करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं जितना भी टॉपिंग्स जो पिज्जा पे जाएंगे वो भी मैं रेडी कर देती हूँ और डो भी लगा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी फिर हो जाए काम। ठीक है जल्दी से चलते हैं बनाने पिज्जा। तो ये हो गया है मेरा सॉस के लिए मटेरियल रेडी, अभी इसको बस अब बंद करूंगी मैं और ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेना है बस। तो ये मैंने पिज्जा की टॉपिंग्स के लिए कुछ सब्जियां कट की है, तो ये है बेल पेपर, ग्रीन और येलो बेल पेपर यूज किया मैंने, थोड़ा कलरफुल बना लेती हूँ पिज्जा को तो अच्छा लगता है। ये टमेटोज, ये मैंने स्लाइस कर दिए, थोड़े अनियंस, थोड़े मशरूम्स, थोड़े कॉर्न बॉइल कर दिए हैं, और ये थोड़ा हमारा फेवरेट एलोपिनोज। और ये देखिए मेरा पिज्जा ओवन में जाने के लिए रेडी है। तो बस हमारा सब कुछ अब रेडी है, पिज्जा भी ऑलमोस्ट रेडी है और डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुका है, बस हम लोग को अब रेडी होना बाकी है। हम बस थोड़ा थक गए थे तो कॉफी पी रहे हैं। पी रहा है। हमने फिर थके थे ज्यादा बहुत काम किया तो बहुत थक गए। हाँ तो बस अब सीधे मिलते हैं आपको डेकोरेशन मतलब सेटअप के पास। तो हमको भी दिखाओ। ठीक है मिलते हैं सेटअप के पास तैयार होने के बाद। तो ये है हमारा आज का ड्रेस जो अभी हम लोग पहनने वाले हैं। संजीव के लिए भी रेड टी शर्ट मैंने लिया था और ये भी मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था इंडिया से जब मैं आ रही थी कुछ दिन पहले ही। तो ये है आज का संजीव का लुक, नया लुक, वैलेंटाइन लुक। हाँ अच्छा लग रहा है। तुम्हारा तुम्हारा ला, तुम्हारा भी लुक ले। ठीक है मेरा भी ले लीजिए। कैसा लग रहा है? वाह ये तुम्हारा वैलेंटाइन लुक। तो जो मतलब हम डेकोरेट किए हैं वो भी संजीव को दिखाई नहीं, इनके लिए सरप्राइज था, तो इनको लेके चलते हैं और दिखाते हैं और इनका रिएक्शन देखते हैं कैसा है। तो सुबह से काम ही कर रहे हैं। चलो रुकिए रुकिए हम दिखाएंगे, अभी आंख बंद करिए। चलो आइए ऐसे। कब खोला? अभी नहीं खोला, अभी ऐसे रहिए आप, इधर ही रहिएगा, अभी आंख मत खोलिएगा, हम आपका फिर कैमरा मतलब चेंज करेंगे। आप खोलिए। अरे वाह ये तो बहुत बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लग ही नहीं रहा अपना घर। अच्छा सही बताइए कैसा लगा? सही बता रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा अपना घर, इतना कुछ कर ली तो शानदार लग रहा। आपको कैसा लग रहा था? क्या फुग्गा फुला के ऐसे कर देंगे? हाँ आपको क्या लग रहा था क्या करने वाले? हमको लग रहा था बैलून इधर गिरा हुआ था कि मतलब चाहिए था आपको। ठीक है एक बार सबको अच्छे से दिखा देते हैं पूरा। ये तो परफेक्ट वैलेंटाइन डे प्लेस हो गया। ये देखिए ये टेबल, ये कैंडल लाइट डिनर के लिए। बताइए आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अनएक्सपेक्टेड, ये तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बढ़िया है, मजा आया, बहुत मजा आया। तो अगले साल वैलेंटाइंस डे पे आप हमको सरप्राइज दीजिएगा। ये हो गया मेरे साल, ये साल मेरा हो गया सरप्राइज। ठीक है बहुत बड़ा सरप्राइज। और टेबल कैसा लगा? टेबल तो अच्छा है, इसमें जो डेकोरेट किया वो बहुत अच्छा है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्या डिनर। चलो बैठो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अरे तुम्हारे लिए देख चीज लाना भूल गया। क्या गिफ्ट लाए? रुको एक मिनट, गिफ्ट लाए हैं। गिफ्ट से भी अच्छा ये तुम्हारे लिए, आंख बंद करो ये। अरे वाह कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। ओ और शाम में तो सुबह में जो निकले थे आप इसी लगे थे क्या? नहीं हम जादू से लाए। बहुत सुंदर है, करना करें पिज्जा दिखाया थे सबको, दिख रहा है।
सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गरम था, गरम था, बहुत बढ़िया। डोमिनोज वाले जैसा ना, उससे अच्छा। ऐसा पिज्जा यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पिज्जा बेकार मिलता है। इंडियंस लोग हर चीज को और अच्छा बना के खाता है। यहाँ का पिज्जा मंगवाओगी ये सर? तो हो गया हमारा वैलेंटाइंस डे और बहुत अच्छा लगा। अच्छा ना, मजा आया। तो ठीक है, हम हमारी तरफ से फिर से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और अब ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, बाय।